बढ़ते कोरोना के आंकड़ों के बीच इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह का कड़क अंदाज देखने को मिला। कलेक्टर मनीष सिंह ने सिंधी कॉलोनी में हंगामा करने वाले व्यापारियों को दो टू कह दिया कि जो कानून तोड़ेगा वो सीधा जेल जाएगा। देखिए इस खास रिपोर्ट में। नहीं, बदनामी, कोई बदनामी वाली बात नहीं, वायलेशंस बहुत ज्यादा है। सिंधी कॉलोनी को बदनाम करने का कारण यही हमको समझ में आता है, कलेक्टर साहब सिंधी कॉलोनी का नाम लेते ही हैं, सिंधी कॉलोनी को ऐसा, सिंधी कॉलोनी को वैसा। ये इस तरह की जो बातें लोग कर रहे हैं वो मेरे ख्याल से बहुत छोटी मानसिकता के लोग हैं, और उनको कुछ घर से काम काज है नहीं। वो जबरन कलेक्टर आज की महामारी में इतना काम कर रहे हैं जोर शोर से, और उनको क्या कॉलोनी की बदनाम होने की पड़ी है। वहाँ दो ग्रुप बन गए हैं, अनावश्यक रूप से वो लोग कर रहे हैं, अगर जरूरत पड़ेगी तो ये जो फालतू की बातें कर रहे हैं उठा के बंद करेंगे इनको। करें ना, मैं जेल जाने के लिए, हम सब जेल जाने के लिए तैयार हैं। FIR करोगे तो फांसी भी चढ़ा दो, FIR से क्या होता है, गोली मार दो, पुलिस को बोलो गोली मार दे, आपकी जितनी दादागिरी है दादागिरी कर लो। मात्र स्थानीय अपने जो उनके गुटबाजियाँ हैं उसके बारे में ज़्यादा इनका इंटरेस्ट है, ना कि जो शहर की लार्जर पर्सपेक्टिव में जो चिंता करनी है उस बाजार के माध्यम से। जब सिंधी कॉलोनी में डेढ़ महीने से कोरोना पॉजिटिव नहीं निकलता है तो आप सिंधी कॉलोनी को बंद कैसे करते हैं? दूसरे जगह की चालू है, खाती वाला टैंक में चालू है। स्थिति ऐसी है, हमको हमारे व्यापार के साथ साथ लोगों के स्वास्थ्य की भी चिंता जरूरी करना है। अगर ज़्यादा होगा तो अभी एपिडेमिक डिजीज एक्ट और ये है, निकला FIR करके बंद कराया जाएगा सब। आप कह रहे हो कि कोरोना बढ़ रहा है तो एक पेशेंट बता दो। ये सिंधी कॉलोनी की जो आपने बात बोली तो ऐसी लग रहा है, अगर ऐसा आप इन्होंने दोबारा रिपीट किया तो निकला FIR करा के कर। कुछ समझ में नहीं आता है प्रशासन का कि प्रशासन को ये एडवाइस कौन दे रहा है। जाएगी एपिडेमिक डिजीज एक्ट और डिजास्टर मैनेजमेंट चल रहा है, मजाक नहीं है, कुछ भी बात करेंगे। और अगर दो ही व्यक्ति ऐसे कर रहे हैं तो उनके खिलाफ FIR की जाएगी, अगर ऐसा करेंगे और स्ट्रिक्टली जो एनफोर्स किया जाएगा। नहीं, बदनाम नहीं, कोई बदनामी वाली बात नहीं, वायलेशंस बहुत ज़्यादा है। वहाँ दो ग्रुप बन गए हैं, अनावश्यक रूप से वो लोग कर रहे हैं, अगर जरूरत पड़ेगी तो ये जो फालतू की बातें कर रहे हैं उठा के बंद करेंगे इनको। जो है उनके जो पदाधिकारी हैं अनावश्यक, वो लोग शहर की फिजा को ना देखते हुए, शहर के स्वास्थ्य की फिजा को ना देखते हुए, मात्र स्थानीय अपने जो उनके गुटबाजियाँ हैं उसके बारे में ज़्यादा इनका इंटरेस्ट है, ना कि जो शहर की लार्जर पर्सपेक्टिव में जो चिंता करनी है उस बाजार के माध्यम से। अगर ज़्यादा होगा तो अभी एपिडेमिक डिजीज एक्ट और ये है, निकला FIR करके बंद कराया जाएगा सब। ये सिंधी कॉलोनी की जो आपने बात बोली तो ऐसे ही लग रहा है, अगर ऐसा आप इन्होंने दोबारा रिपीट किया तो निकला FIR करा के कार्रवाई की जाएगी, एपिडेमिक डिजीज एक्ट और डिजास्टर मैनेजमेंट चल रहा है, मजाक नहीं है, कुछ भी बात करेंगे। और अगर एक दो ही व्यक्ति ऐसे कर रहे हैं तो उनके खिलाफ FIR की जाएगी, अगर ऐसा करेंगे और स्ट्रिक्टली जो एनफोर्स किया जाएगा। नहीं, बिल्कुल हम तैयार हैं प्रशासन को, क्योंकि अभी स्थिति ऐसी है, हमको हमारे व्यापार के साथ साथ लोगों के स्वास्थ्य की भी चिंता जरूरी करना है, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं है। आज जो ये कोरोना महामारी फैल रही है उसके कारण प्रशासन को मजबूरन होकर ऐसे कदम उठाना पड़ रहे हैं, जिसमें हम व्यापारी प्रशासन के पूरी तरह साथ हैं। अगर कलेक्टर साहब हमको बोलेंगे कि आप लेफ्ट राइट के तर्ज पर दुकानें खोलें तो हम बिल्कुल उनके इस आदेश का पालन करेंगे। देखिए, आप भी सब जानते हैं कि कलेक्टर साहब आज कितने घंटे काम करते हैं और उनके ऊपर कितनी तरह की जवाबदारियां हैं, कितने तरह का बोझ है। ये इस तरह की जो बातें लोग कर रहे हैं वो मेरे ख्याल से बहुत छोटी मानसिकता के लोग हैं, और उनको कुछ घर से काम काज है नहीं। वो जबरन कलेक्टर, अब कलेक्टर साहब पूरे इंदौर ज़िले के राजा हैं और इतनी आज की महामारी में इतना काम कर रहे हैं जोर शोर से, और उनको क्या कॉलोनी की बदनाम होने की पड़ी है। जबकि हमने तो जब भी कलेक्टर साहब से निवेदन किया है सिंधी कॉलोनी के विषय में, उन्होंने हमको भरपूर सहयोग किया है और हमेशा हमको सहयोग करते ही हैं। सिंधी कॉलोनी को बदनाम करने का कारण यही हमको समझ में आता है कि रोज कलेक्टर साहब सिंधी कॉलोनी का नाम लेते ही हैं, सिंधी कॉलोनी को ऐसा, सिंधी कॉलोनी को वैसा। आप बताइए, डेढ़ महीने से सिंधी कॉलोनी में कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं निकला है। जब सिंधी कॉलोनी में डेढ़ महीने से कोरोना पॉजिटिव नहीं निकलता है तो आप सिंधी कॉलोनी को बंद कैसे करते हैं? शिवधाम में आप जांच कर लीजिए, एक सप्ताह में 12 पॉजिटिव निकले, सब दुकानें चालू हैं, दूसरे जगहों की चालू हैं, खाती वाला टैंक में चालू हैं। तो सिंधी कॉलोनी में आप कह रहे हो कि कोरोना बढ़ रहा है तो एक पेशेंट बता दो, एक पेशेंट है नहीं, और आपने सिंधी कॉलोनी को घर पर बिठा दिया व्यापारियों को,
हमारी दुकानें भी यही हैं, हमारे घर भी यही हैं। कुछ समझ में नहीं आता है प्रशासन का कि प्रशासन को ये एडवाइस कौन दे रहा है, ये सलाह कौन दे रहा है, यही नगर निगम वाले दे रहे हैं। यहाँ नगर निगम वाले वसूली करते हैं ठेले वालों से, 200-200 ठेले खड़े लेते हैं और उनको ये भगाते नहीं है। भीड़ होती है, वहाँ से रिक्शाएँ आती हैं, लोहा मंडी से क्रॉस करती हैं सिंधी कॉलोनी को, करीबन 2000 रिक्शाएँ क्रॉस करती हैं, तो जाम नहीं लगेगा? करें ना, मैं जेल जाने के लिए, हम सब जेल जाने के लिए तैयार हैं। FIR करोगे तो फांसी भी चढ़ा दो, FIR से क्या होता है, गोली मार दो, पुलिस को बोलो गोली मार दे, आपकी जितनी दादागिरी है दादागिरी कर लो।